तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरीके से जो है व्हाट्सएप पे आया है एक नया ट्रिक, यानी नया फीचर्स जो है आया है 2020 पे। ठीक है, इससे जो है आप जो है किसी को भी अपने व्हाट्सएप की मदद से ही पेमेंट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप फ़ोनपे गूगल पे पर पेमेंट करते हैं UPI ID और QR कोड के थ्रू, अब बिल्कुल उसी प्रकार से ही व्हाट्सएप पे ही पेमेंट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके WhatsApp पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, किस तरीके से शो करेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों आप किस तरीके से इनेबल कर पाएंगे, अगर आपके WhatsApp पे शो करता है आप किस तरीके से उसे ऐड कर पाएंगे और क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं ये सारा कुछ डिटेल्स। तो चलिए मैं वीडियो के बीच में एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ इस व्हाट्सएप ट्रिक को लेके, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाए आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं भी इसी तरह की हमेशा नया वीडियो लाता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको अपने व्हाट्सएप को जो है अपडेट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले व्हाट्सएप को अपडेट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को अपडेट पर लगा दिया है, तो मेरा यहाँ पर अपडेट हो चल रहा है। दोस्तों अगर आपका नॉर्मल व्हाट्सएप पे पेमेंट ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, आपको सिंपल सा अपडेट करने के बाद उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई मोबाइल पर अपडेट करने के बाद ही जो है वो पेमेंट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर मेरा अपडेट हो चुका है, तो मैं ओपन करता हूँ इसे। ठीक है, ओपन कर देते हैं यहाँ से व्हाट्सएप को। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद जो है आपके आगे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, ये वाला पेमेंट ऑप्शन अगर नहीं आता है तो किस तरीके से ला पाएंगे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए ये वीडियो में जिसको शो करता है क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको सिंपल सा पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ऐड पेमेंट मेथड दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है, फिर जो है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। इसके बाद आपके आगे जो है सारा बैंक का डिटेल्स आ जाएगा, जितने भी बैंक्स हैं, तो आपका जो भी बैंक है आप उसे यहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर वेरीफाई SMS के थ्रू के लिए मांग रहा है, तो हम यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा अलाउ कर देना है जो भी परमिशन मांगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जो है ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मेरा सिक्योरिटी के लिए ब्लैक स्क्रीन हो चुका है। यहाँ पर अकाउंट जैसे ही आपको दिखाई देता है, आपको सिंपल सा अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर सेटअप डन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, हमारा देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं, आपका बहुत ही सिंपल है। अगर आपका नहीं शो कर रहा है तो पेमेंट ऑप्शन, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पर एक पेमेंट भी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं पेमेंट पर क्लिक करने के बाद UPI ID यहाँ पर मेरा एक एंटर कर लेता हूँ। UPI ID एंटर करने के बाद आपको सिंपल सा, जैसे कि आपको वेरीफाई होता था फ़ोनपे पे, उसी प्रकार से आप यहाँ पर सिंपल वेरीफाई पर क्लिक करते हुए कर दीजिए। करने के बाद जो है थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और जो है वो UPI ID जिसके नाम पर है उसका नाम वहाँ पर शो करने लगेगा। तो आप जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाम आ चुका है, तो मुझे सिंपल सा यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है, जितना भी मुझे सेंड करना है, सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन एंटर भीम UPI पिन के लिए दिखा रहा है। अगर मैंने पिन सेट किया हुआ है, अगर आपने पिन सेट नहीं किया तो आप जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाके वहाँ पर अपना ATM कार्ड का डिटेल्स डालकर वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर पिन मारकर अपना पेमेंट कर लिया है। प्रोसेसिंग पे देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे मेरा ये है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों इसी प्रकार से सारा कुछ होता है, तो आप भी जो है इसी प्रकार से सारा पेमेंट कर पाएंगे अपने व्हाट्सएप की मदद से। तो दोस्तों अगर किसी का पेमेंट ऑप्शन नहीं शो करता है तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वो वाला वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।